दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आते ही सभी के घरों से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है। सभी के घरों में अलग अलग व्यंजन जो बनने शुरू हो जाते हैं दिवाली के, उन्हीं व्यंजनों में से आज हम बनाएंगे चकली। पर चकली तभी अच्छी बनती है जब उसकी भाजनी परफेक्ट हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चकली का प्रीमिक्स कैसे बनाए जो कि 6 महीनों तक खराब नहीं होता है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हूँ जो कि चकली की भाजनी बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले हमें मोटे तले के बर्तन में 2 कप चावल ले लेना है। चावल मैंने पहले दिन ही धो के सुखा लिए थे, इन्हें मैंने धूप में नहीं सुखाए हैं, इन्हें पंखे के नीचे ही सुखा ले और इसे अच्छे से भून ले। चावल को गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, इसमें से एक खुशबू आएगी तो समझ लेना है कि हमारे चावल भून चुके हैं। इसे मैंने एक परात में, एक थाली में निकाल लिए ठंडे होने के लिए। अब उसी कटोरी से हमें 1 कप लेना है चने की दाल। जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उसी कटोरी का नाप हमें आगे सभी चीज़ें लेने के लिए यूज़ करना है। इन चने की दाल को भी मैंने अच्छे से भून लिया है और परात में निकाल लिया है। उसी कटोरी से आधी कटोरी हमें लेना है ज्वार। ज्वार को भी अच्छे से भून लेना है। इन सभी चीजों से एक अलग सी महक आने लगती है, तो समझ लेना है हमारी चीजें अच्छे से भून चुकी है। इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें लो फ्लेम में ही भूनना है। उसके बाद मैंने लिया है 1/4 कप मूंग दाल, इसे भी मैं अच्छे से भून रही हूँ। इसमें से भी एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये भी हो चुका है और मैंने इसमें इसको भी अब ठंडे करने के लिए रख दिया है। उसके बाद 1/4 कप मैंने उड़द दाल भी भून लिया है, वो भी दिखा रही हूँ। इसके बाद हमें लेना है 3 टीस्पून पोहे, 3 छोटे चम्मच पोहे हमें लेना है और पोहे को भी थोड़ा सा भून लेना है। अगर पोहे में कुछ नमी हो तो वो भी चली जाएगी और एक कुरकुरापन उसमें आ जाएगा। यहाँ पोहे भी भून चुके हैं, इसे भी मैंने निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। उसके बाद 3 छोटे चम्मच हमें साबूदाना लेना है। यहाँ मैं 3 छोटी चम्मच साबूदाना डाल रही हूँ, इसे भी बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। ये साबूदाना भूनने के बाद थोड़ा इसका साइज फूल जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा साइज फूल जाता है, इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसे भी मैं उसी परात में निकाल लूँगी। उसके बाद लेना है हमें धनिया, 2 छोटी चम्मच धनिया, उसे भी भून लेना है। और उसके बाद 2 छोटी चम्मच जीरा, जीरे को भी अच्छे से भून लेना है। यहाँ मैंने 2 कप चावल के हिसाब से आपको पूरा नाप बताया है। अगर आपको ये चावल 4 कप बनाने हैं तो सारी चीज़ें आपको डबल डबल करके डालनी है। जैसे चने की दाल मैंने यहाँ 1 कप डाली है तो आपको वहाँ 2 कप डालनी होगी। यहाँ हमारी भाजनी बन के रेडी है, ये हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। इसे ऐसे ही पीस के नहीं लाना है, इसे ठंडा होने के बाद ही पीसे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ जमेगी और पूरा खराब हो जाएगी हमारी भाजनी। यहाँ मैं इसे ठंडा करने के लिए ऊपर नीचे कर रही हूँ और उसके बाद मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए, और मैंने चक्की पे से इसको पीस के लाया था। इसे पीसते वक्त उन्हें बताना है कि गेहूँ डालने के बाद तुरंत इस ये भाजनी को ना डालें, नहीं तो हमारी भाजनी ख़राब हो सकती है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम एक बात कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, चने की दाल 1 किलो लेके गई थी, पहले चने की दाल मेरे सामने उनसे पिसवाई थी और उसके बाद मैंने भाजनी डाली थी, जिस वजह से मेरी भाजनी बहुत अच्छी बनी है। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस भाजनी से चकली कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा ये आप ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।